आज मसाला किचन में लाई हूँ उड़ीसा की फेमस ट्रेडिशनल मिठाई, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। एक अलग से केक को देखकर आप क्या सोच रहे होंगे कि शायद ये केक जल गया होगा। ऐसा नहीं है, ये उड़ीसा का स्पेशल फेमस डिश है, जिसे हम छेना पोड़ा कहते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है, इसे जरूर बनाइए। एक और बात, वैसे तो हम दूध को फाड़कर इस रेसिपी को बनाते आए हैं, लेकिन आज मेरा चांस वाली बात है। जैसे ही मैंने दूध को गैस पर रखा और दूध फट गया। हुआ यूं कि दो दिन से दूध की बॉटल आ रही थी, मैं फ्रिज में रख रही थी, इसे उबाला नहीं क्योंकि मैं कहीं बाहर थी। जैसे ही मैंने इसको गैस पर रखा, दूध फट गया। मेरा मूड बिल्कुल खराब नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो इसे फाड़ के ये रेसिपी बनाने वाली थी। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 1.5 लीटर दूध था जो फट चुका है, इसे मैं एक पतले कपड़े में छान लेती हूँ। जिस तरीके से हम छेने को थोड़ा सा वॉश करते हैं, उसी तरीके से मैं इसे पतले कपड़े में छानकर सादे पानी से वॉश कर लेती हूँ। अब इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है, बस ऐसे स्क्वीज नहीं करना है, बस इसे लटकाना है थोड़ी देर, जैसे इसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। एक और बात, इस पानी का आप जैसे यूज करते हो सब्जी में या आटे में, या आप इसका सूप में यूज करते हो, लेकिन थोड़ा पानी अभी हमें इसे केक के लिए भी लगेगा, तो आप पूरा मत खत्म कीजिए, करीब 1/4 कटोरी यहाँ पर अलग रख दीजिए। इसे हमें बना के रखना भी नहीं है, इसे बनाना शुरू कर देते हैं। एक थाली में निकाल लीजिए, इसे थोड़ा ठंडा कर दीजिए। यहाँ पर मैंने कुकर को गरम करने रख दिया है, उसमें मैंने ये ब्राउन कलर का जो नमक डाला है, उसे मैंने कईयों बार यूज़ किया है, कईयों बार यूज़ करने की वजह से काफ़ी लाल सा हो गया है। अब इसके ऊपर रख देती हूँ मैं जाली। कुकर के ढक्कन का जो ब्लैक कलर का रबड़ होता है, उसे भी निकाल लीजिए और विसिल भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये दोनों का कोई काम नहीं है। बस ढक्कन लगा लीजिए, जिससे काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाए। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा 6 इंच का केक टिन ले लिया है, आप किसी में भी बना सकते हैं, कोई छोटा सा पतीला भी ले सकते हैं या कटोरा भी ले सकते हैं। मैंने इस केक टिन को थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है, आप चाहें तो इस पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं, पर क्योंकि मैंने बताया ना ये ट्रेडिशनल मिठाई है, वहाँ पर इसे कैसे बनाया जाता है, वो इस तरीके से बनाया जाता है। जो पत्तल होती है ना, जो साल होता है, पत्ते जो ताजे पत्ते हरे, वो लगाए जाते हैं, क्योंकि उसकी जो महक होती है ना, जैसे एक मिट्टी की अलग खुशबू होती है, ऐसे इस पत्तों की एक खुशबू होती है। अलग अलग जगह पे आप देखते हो, कहीं केले के पत्ते यूज़ किए जाते हैं, कहीं साल के पत्ते यूज़ किए जाते हैं, कहीं मिट्टी के सकोरे यूज़ किए जाते हैं, तो ये वहाँ की ट्रेडिशनल मिठाई है। तो इस तरीके से मैं, यहाँ पर मेरे पास पत्तल तो नहीं मिली, मेरे पास दोने थे जो चाट वाले, उनको मैंने खोल दिया है, उसे मैंने नीचे सेट कर दिया है। अब हम इसमें केक को डालेंगे। अब सबसे पहले इस छेने को एक बड़ी सी प्लेट में निकाल देते हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं, लेकिन पूरा ठंडा हमें नहीं करना है। हाथों से, हल्के हाथों से इसे क्रश करना है, रसगुल्ले की तरह हमें मैश नहीं करना है। हल्का हल्का दाना बना रहे, जिससे इस केक का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। जब ये मिक्स हो जाए, तब इसमें हम क्या डालने वाले हैं वो देख लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक वाली सूजी, जो हलवे वाली सूजी होती है, वो मैंने 3 चम्मच डाल दिए हैं, 3 टेबल स्पून कह सकते हो आप उसको। इसको डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। सूजी डालकर इसे हमें हल्के हाथ से फिर से मिक्स करना है। याद रहे, सूजी आपको बारीक डालनी है, मोटी है तो आप उसे ग्राइंड करके डालिए। अब इसमें मैंने 3/4 कप करीब 150 ग्राम पिसी चीनी डाल रही हूँ। पिसी चीनी नहीं हो तो आप शक्कर बूरा डाल सकते हैं, कास्टर शुगर वो भी डाल सकते हैं, और धीरे धीरे डालते हुए उसे मिक्स करते जाइए। ये सारा काम आप हल्के गरम में करिए। इसमें 1 पिंच डाल दिया मैंने नमक। ये देखिए, इसका मिश्रण जो है इस तरीके का है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे ढक देंगे। करीब करीब 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें, जिससे जो सूजी है ये पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। ये पानी जो मेरे पास अलग से रखा है, ये बाद में हमें यूज होगा। तब तक हम क्या करते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट काट लेते हैं। आप चाहें तो डालें, वैसे इसके लिए कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल कि आपको डालना ही है, आपकी च्वाइस हो तो ही डालें। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस मिश्रण को देख लेते हैं, थोड़ा ड्राई सा हो रहा है, तो 2-3 चम्मच हमें इसके अंदर वही वाला पानी डालना है जो छेने के टाइम हमने बचा के रखा था, जिससे थोड़ा सा लूज हो जाए। बहुत ही अनोखा केक है और बहुत ही गजब का इसका टेस्ट है।
अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी इलायची कुटी हुई। यहाँ मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें घी। यहाँ पे मैं 2 पिंच डाल रही हूँ मीठा सोडा, जो कुकिंग सोडा भी कहते हैं और किचन में हमारे काम आती है। ये सब मिक्स करने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट की कतरन को इसके अंदर मिक्स कर दिया है। बस सारी चीजें मिक्स हैं, अब बारी आती है इसे बेक करने की। इसका मिश्रण बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ये मिश्रण तैयार है। अब ये जो दोना हमने जो ये साल का पत्ता लगा दिया है, इसके नीचे मैंने थोड़े से दाने शक्कर के डाल दिए, जिससे नीचे भी बड़ी मिठास सी रहे और ये बढ़िया सा कैरमलाइज केक बन जाए। इसकी यही पहचान है। नॉर्मल जो केक होता है हमारा नीचे ब्राउन होता है, लेकिन ये केक नीचे काफी अच्छा कैरमलाइज कलर होना चाहिए, डार्क कलर का होना चाहिए। अब वो गर्म किए हुए कुकर में मैंने इस डिश को डाल दिया है और ऊपर से जो थोड़ी कतरन मैंने ड्राई फ्रूट की भी डाल दी है। अब मैंने कुकर को बंद कर दिया है और इस कुकर को मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ज्यादा लो ना करें, क्योंकि फिर ऊपर हीट नहीं मिलेगी। इसे आप ओवन में बेक कर सकते हैं, तो 180 डिग्री पर आप इसे बेक कीजिए जब तक कि यह पक ना जाए। अगर आप ओवन में नहीं बेक करना चाहते तो कुकर में या कढ़ाई में किसी में भी बेक कर सकते हैं। इसमें आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हो, चीनी भी। आज मैंने चीनी यूज़ की, आपकी चॉइस है आप इस कैसे बनाएं। मैंने पहले ही बताया कि मुझे डार्क ब्राउन चाहिए, तो जिसकी वजह से हम 30 मिनट बाद हम चेक करेंगे ये कैसा बना है, तब देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी 30 मिनट करीब हुए हैं, अभी ये केक बहुत अच्छे से नहीं पका है जैसा हमें डार्क ब्राउन कलर का नीचे से चाहिए। अभी साइडों से हल्का हल्का ब्राउन हुआ है। अब इसे वापस से हम कवर करते हैं, लेकिन याद रहे अभी हमें फ्लेम को और स्लो कर देना है, क्योंकि अब इसकी सिकाई होनी है बस। तो अभी मैं 20 से 25 मिनट बाद इसे चेक करूंगी। कुल मिला के ये 55 से 60 मिनट में ये केक तैयार हो जाता है। लीजिए, अब फाइनली केक बिल्कुल 55 मिनट में ये तैयार हो गया है। साइडों से बहुत ही परफेक्ट पका है, बिल्कुल यहीं से ही दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं इस टिन को इसी में ही रख रही हूँ, जिससे इसकी अच्छे से सिकाई हो जाए। अब ठंडा होने के बाद मैंने इसे निकाल दिया है, अब मैं इसे डीमोल्ड करूंगी। इसकी जो पत्तल वाला जो साल लगी हुई है, उसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। ये आप हटाएंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना बढ़िया ये कैरेमल केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, अगर आप ओवन में बनाते तो ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके का कलर आता, पर क्योंकि मैंने केक को कुकर में बनाया है तो ऊपर से हल्का लाइट है लेकिन पक चुका है, और नीचे वो बहुत ही बढ़िया कैरेमल कलर आया है। अब आपको मैं कट करके दिखाती हूँ इसका अंदर का टेक्सचर कैसा है। अंदर से बहुत ही सुपर सॉफ्ट है, लेकिन बाहर से बहुत ही क्रिस्प कैरमलाइज्ड है। हर जगह की अलग अलग पहचान होती है, हर जगह की अलग अलग ट्रेडिशनल रेसिपी होती है। तो उड़ीसा की ये ट्रेडिशनल रेसिपी छेना बोड़ा आपको कैसा लगा, मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए देखिए कितना अमेजिंग ये केक होगा। आप जब इसको टेस्ट करेंगे ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बार बार आकर इसे टेस्ट करने का मन करेगा। बहुत ही टेस्टी है। इसे इस तरीके से पत्तल के पत्ते पर ही सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। ये आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं।